अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे 69,068,500 शिक्षक भर्ती अपडेट। जी हाँ दोस्तों, आज आपकी तारीख हो चुकी है 3 दिसंबर 2019 के, हम बड़ी अपडेट देखने वाले हैं। और सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे कल से सुनवाई शुरू। जी हाँ दोस्तों, कल 4 दिसंबर से आपकी कोर्ट की सुनवाई शुरू हो रही है। तो दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती की कटाप अंक का विवाद बरकरार, जनवरी में परीक्षा का रिजल्ट नहीं, ठीक है दोस्तों। और 4 लाख अभ्यर्थी अदर में। जी हाँ दोस्तों, आज के न्यूज़पेपर में क्या खबर आई उसको देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों बात करेंगे कि 69,000 शिक्षक भर्ती का ऑर्डर कब तक रिजर्व हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, सभी बच्चों के मन में एक डाउट आ रहा है कि यार कब तक अपना ऑर्डर रिजर्व होगा, जबकि आपके 68,500 शिक्षक भर्ती का ऑर्डर रिजर्व हो चुका है। अब देखिए दोस्तों, 68,500 शिक्षक भर्ती, 30-33 मामला, क्या है उम्मीद? तो सभी बच्चों के अंदर एक डाउट आ रहा है कि क्या 30-33 की जीत हो सकती है। तो दोस्तों उस डाउट्स को आज हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं कि आखिर जीत होगी या हार होगी। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे सिर्फ इन्हीं बच्चों को मिल पाएगी नौकरी। जी हाँ दोस्तों, चाहे 69,000 हो चाहे 68,500 शिक्षक भर्ती हो, सिर्फ कुछ ही लिमिटेड बच्चों को नौकरी मिल पाएगी, मतलब हर एक बच्चे को तो नहीं मिलेगी, सबको पता है। और उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे क्या इसी सप्ताह केस फाइनल हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, क्या इसी सप्ताह आपका ऑर्डर रिजर्व हो सकता है? क्योंकि देखिए कल आपके बुधवार है, गुरुवार, शुक्रवार, 3 दिन दोस्तों अभी इस हफ्ते में कोर्ट की सुनवाई और हो सकती है। तो क्या इन 3 दिनों में कुछ बड़ा हो सकता है उसको देखेंगे। और दोस्तों एक और बड़ी अपडेट, आज की सबसे बड़ी अपडेट हम कह सकते हैं कि परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों की वर्ष 2019-20 हेतु अंतर जनपदीय स्थानांतरण नीति जारी हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके साथ में कोई ट्रांसफर वाले हैं, अगर आपके घर में दोस्त, तो उनको दोस्त इस वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो के हर एक नोटिफिकेशन उनको भी मिल सके। तो दोस्तों फिलहाल उनके लिए हम बता देंगे कि यार किस पर मेरिट बनेगी उनकी। जी हाँ दोस्तों, इसको आपको भी जानना जरूरी है कि आने वाले टाइम में अगर आपको भी ट्रांसफर चाहिए होगा तो आप क्या करेंगे। देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती में अधिकांश बच्चों को अपने घर पर तो नौकरी नहीं मिल पाएगी, कहीं दूर जाना पड़ेगा, लेकिन दोस्तों आने वाले टाइम में कैसे आपको मेरिट बनती है उसको भी हम देखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि आपके आज अखबार में या न्यूज़पेपर में क्या खबर आई है, उसके बाद दोस्तों एक एक करके हर एक टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले दोस्तों वही विडंबना है कि प्राथमिक विद्यालयों की 68,500 शिक्षक भर्ती एक साल बाद भी पूरा होने का नाम नहीं ले रही है। वही 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती एक साल में शुरू ही नहीं हो सकी है। 69,000 पदों पर नियुक्ति पाने के लिए 4 लाख से अधिक अभ्यर्थी राह देख रहे हैं, लेकिन कटाप अंक विवाद ऐसा बड़ा कि अब तक लिखित परीक्षा का परिणाम जारी नहीं हो सका है और न ही भर्ती का कटाप अंक ही तय हो सका है। यह भर्ती 15 फरवरी 2019 तक पूरा करने का लक्ष्य था। जी हाँ दोस्तों, मतलब 15 फरवरी तक आपको ज्वाइनिंग लेटर, नियुक्ति पत्र हाथ में देने का लक्ष्य था। अब दोस्तों हालात यह है कि फरवरी 2020 में भी चयनितों को नियुक्ति मिल पाने के आसार नहीं है। जी हाँ दोस्तों, कि ऐसा नहीं लग रहा है कि 2020 तक आपको नौकरी मिल सकेगी, ऐसा यहाँ पर लिखा है। शासन ने 69,000 शिक्षक भर्ती का आदेश 1 दिसंबर 2018 को जारी किया था। अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन लेकर 6 जनवरी 2019 को लिखित परीक्षा कराई गई। दूसरे ही दिन यानी 7 जनवरी को शासन ने भर्ती का कटाप अंक तय किए। इसमें सामान्य वर्ग के लिए 65 वर्ग व आरक्षित वर्ग के लिए वे अभ्यर्थी ही परीक्षा उत्तीर्ण होंगे जो 60% अंक हासिल करेंगे। इसी साथ आदेश को लेकर विवाद हो गया। दरअसल यह भर्ती शीर्ष कोर्ट के आदेश पर शिक्षा मित्रों का सहायक अध्यापक पद पर समायोजन रद्द होने के बाद खाली पदों को भरने के लिए कराई गई थी। प्रदेश सरकार भर्ती 2 चरणों में करा रही है। पहले चरण में 68,500 पदों पर लिखित परीक्षा व 45,000 से अधिक को नियुक्ति भी मिल चुकी है। उसमें शासन ने सामान्य व ओबीसी का कटाप 45 और एससी और एसटी का कटाप 40% अंक तय किया था। शिक्षा मित्रों का कहना है कि शासन ने जानबूझकर दूसरी भर्ती में कटाप अंक अधिक कर दिया है। बेसिक शिक्षा महकमे के अफसरों का कहना है कि कटाप अंक परीक्षा में बैठे अभ्यर्थियों के हिसाब से तय हुआ है। 68,500 शिक्षक भर्ती में सिर्फ 1,08,000 अभ्यर्थियों ने ही परीक्षा में शामिल हुए थे, जबकि 69,000 शिक्षक भर्ती में दावेदारों की संख्या 4,10,440 है। अंक को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई और कोर्ट ने रिजल्ट जारी करने पर रोक लगा दी। तब से परिणाम तो परिणाम आया, न ही कोर्ट से कटाप अंक पर निर्णय हो सका है। तो दोस्तों हमारा लक्ष्य था या शिक्षक भर्ती का लक्ष्य था कि आपको 15 फरवरी 2019 तक आपको ज्वाइनिंग देना, लेकिन दोस्तों अब तो ऐसी उम्मीद, यहाँ पर आपने देखा होगा अपडेट के माध्यम से कि 15 फरवरी 2020 तक भी आपको नियुक्ति मिलने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी अपडेट है आज की, मतलब कि 15 फरवरी 2020 तक भी आपको नौकरी नहीं मिल पाएगी। तो उस पर पूरा डिस्कस करेंगे लोग, देखिए होगा क्या ना। अभी यार 1 महीने तो आपका समय उसमें चला जाएगा, ऑर्डर रिजर्व होगा, उसके बाद जारी होने में आपको पता है।
तो समय कहाँ लगता है आपको, तो हर एक छोटी छोटी अपडेट पता ही है। देखिए अब बात होगी ना, इन पर बनेगी मेरिट सूची। तो दोस्तों किस पर मेरिट बनेगा ये देखते हैं। प्रत्येक वर्ष की सेवा के लिए एक एक अंक, अधिकतम 35 अंक। तो दोस्तों जो आपके अंतर जनपदीय तबादला हो रहा है, तो आप समझ जाइए कि आने वाले टाइम में जब 69,000 में भले आज नहीं तो कल आपको नौकरी मिलेगी, तो आपको जो ट्रांसफर होगा वो कैसे होगा। देखिए 68,500 शिक्षक भर्ती में फिलहाल ट्रांसफर तो नहीं, लेकिन वो म्यूचुअल तो करा ही सकेंगे ना। तो जिनके लिए ट्रांसफर की सुविधा नहीं होती उनके लिए कौन सी सुविधा होती है, उनके लिए होती है म्यूचुअल। जी हाँ दोस्तों, एक लोग जाएगा तो एक लोग आएगा, मतलब आप किसी के पद पर मतलब दूसरे स्कूल चले जाइए, वो दूसरे स्कूल वाला आपके स्कूल में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका म्यूचुअल ट्रांसफर। ठीक है ना, ना तो कोई कभी गया था ना तो कभी कोई आया, ऐसा ही समझ लीजिए इसको। तो देखते हैं दोस्तों, देखिए अगर आपने मान लेते हैं कि प्रत्येक वर्ष की सेवा के लिए दोस्तों आपको एक एक अंक मिलेगा और अधिकतम 35 अंक देने का प्रावधान। अगर मान लेते हैं दोस्तों आपने 10 साल नौकरी कर ली तो आपको 10 अंक मिलेगा। उसके बाद दोस्तों दूसरा पॉइंट क्या हमारा, खुद या जीवन साथी या बच्चे की दिव्यांगता के लिए आपको 10 अंक मिलेंगे। ठीक है, या तो आप खुद फिजिकल हैंडीकैप हो, या आपके जीवन साथी पति या पत्नी या बच्चे, ठीक है, कोई भी दोस्तों अगर ऐसा होगा तो आपको 10 अंक यहाँ मिलेगा। और हम नहीं चाहते दोस्तों कि ये वाला सेकेंड वाला पॉइंट किसी को फायदा मिले, मतलब कोई ऐसा कभी हो ही ना, सभी लोग अच्छे हो। अगर होते तो दोस्तों आपको 10 मिलेगा, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। खुद या जीवन साथी या बच्चे के असाध्य रोग के लिए 10 अंक मिलेगा। ठीक है, अगर किसी आपको या आपके बच्चे को कोई रोग है, ठीक है, कोई बीमारी, तो आपको उसके लिए भी 10 अंक मिलेंगे, लेकिन कोई बड़ी बीमारी। फिर दोस्तों अगर आप कोई एक महिला टीचर, सिर्फ एक लड़की है, तो आपको 5 अंक तो यहाँ मिलना ही मिलना है, तो यहाँ पे 5 अंक और प्लस कर लीजिए। फिर दोस्तों तीसरा एक जो पॉइंट्स है ना दोस्तों, इसमें थोड़ा सा इन्होंने सही नहीं किया, काफी बच्चों को विवाद आया इसमें, कमेंट आया कि पति पत्नी दोनों के सरकारी सेवा में होने की स्थिति में 10 अंक। अब दोस्तों मान लेते हैं कि आपके पति जी प्राइवेट कंपनी में, पत्नी जी सरकारी में, या दोस्तों आपके पति सरकारी में या पत्नी प्राइवेट कंपनी में, तो भी आपको 10 अंक देने चाहिए थे। ये थोड़ी नहीं होता कि अगर हम दोनों लोग सरकारी में तभी आपको 10 अंक मिलेगा, ये तो उनके साथ दोस्तों ना इंसाफी होगी ना, जो एक प्राइवेट में है एक सरकारी में। नौकरी नौकरी होती है, और हो सकता है कि प्राइवेट की सैलरी सरकारी से ज्यादा हो और कम भी हो सकती है, तो दोनों को मौका दिया जाना चाहिए था। फिलहाल चलिए यहाँ पर एक में ऐसा ही है कि अगर आप लोग दोनों सरकारी होंगे तो ही आपको 10 अंक मिल पाएगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद दोस्तों एकल माता पिता या विधवा विदुर होने पर 5 अंक मिलेगा, और राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षक को 5 अंक, और राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षक को 3 अंक। तो भाई लास्ट वाले 2 पॉइंट्स में से आप लोग कुछ खेलना शुरू कर दीजिए, कहीं से आप पुरस्कार प्राप्त कर लीजिए, जिससे कि आपको 5, 3, 8 अंक आपको मिल सके। तो इससे आपको फायदा ही होगा आगे, अगर आप ट्रांसफर कराना चाहते हैं तो। ये छोटी सी अपडेट थी, ये आप लोग अपने बता दीजिएगा दोस्तों को। अब देखिए दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे जो आपकी कल से सुनवाई शुरू हो रही है, यानी दोस्तों कल आपके 4 दिसंबर 2019 से आपकी कल की सुनवाई शुरू होगी। और दोस्तों आपको पता होगा कि सुनवाई का समय क्या, दोपहर लगभग 3:15 PM से शुरू हो जाएगी सुनवाई। ठीक है ना, देखिए दिक्कत पता कहाँ से आ रही है, आपके जो शिक्षक भर्ती आप देख रहे होंगे 40-45 की सुनवाई लंबे समय से चल रही है। इसका रीजन दोस्तों, पार्ट हेड केस तो आपके लिए गठित किया गया, लेकिन दिक्कत यहाँ पर आई कि जो आपको सुनवाई का समय मिल रहा है वो थोड़ा अच्छा नहीं मिल पा रहा है। यही दोस्तों आपकी सुनवाई 2:15 से शुरू होती ना, तो बहुत ही बेस्ट टाइम होता और लगभग 2 घंटे आपके केस को सुनने का मौका मिलता, तो मतलब एक अच्छा केस सुना जा सकता था। लेकिन आप देख रहे होंगे कभी आधे घंटे कभी 1 घंटे की सुनवाई हो रही, तो उसमें प्रॉपर डिस्कशन भी नहीं हो पा रहा है, तो उसके चलते दोस्तों थोड़ा समय लग रहा है। अब देखिए दोस्तों, हम लोग एक बात की थी क्या इसी सप्ताह केस आपका फाइनल हो जाएगा। जी नहीं दोस्तों, इस बार उम्मीद काफी कम लग रही है, 3 दिन का समय और सभी को दोस्तों बोलने का भी तो मौका ही नहीं मिला अभी सबके सबमिशन कंप्लीट होने, तो सबमिशन जब तक नहीं होगा सबका तब तक दोस्तों ये केस अभी चलता रहेगा। फिलहाल 60-65 टीम का तो सबमिशन कंप्लीट है, अब 40-45 टीम में दोस्तों देखिए बातें हो रही है, देख रहे होंगे आप लोग बीएड को लेकर बातें चल रही है, जो कि दोस्तों कोई मतलब आधार ही नहीं बीएड से बात करने के। लेकिन आपको बता दे, हमने आपको पहले भी बताया था कि जो आपके 60-65 टीम ने बीएड को लेकर मुद्दा बनाया कि यार इनकी संख्या बढ़ी। जी हाँ दोस्तों, अभी पेपर में भी आपने देखा होगा कि इस बार दावेदारों की संख्या बढ़ गई, 4 लाख से ज्यादा हो गए, तो कट ऑफ को भी बढ़ा दिया गया। तो भाई जब कट ऑफ बढ़ी है बीएड के वजह से, तो बीएड के लिए दोस्तों बात की जाएगी ना। सिंपल सी बात है दोस्तों कि यार पॉइंट हमेशा उसी को बनाना चाहिए जिस पर बातें चल रही हो, तो ये एक स्मार्ट स्ट्रेटजी भी होती है कि भाई बहुत स्मार्ट वे अपनाया गया है, तो बीएड को पॉइंट आउट कर रहे हो आप। पता है कि और तो आपको पता ही होगा कि कट ऑफ को लेकर विज्ञप्ति में कुछ कहा ही नहीं गया है, तो विज्ञप्ति को लेकर कोई बात ही नहीं करेगा, और विज्ञप्ति को लेकर कोई बात करेगा तो डेफिनेटली दोस्तों आपकी कट ऑफ क्या होगी, 0 होगी। जी हाँ दोस्तों, जब कुछ लिखा ही नहीं है तो 0 कर देना चाहिए। वैसे आपको पता है कि रूल है कि यार कुछ ना कुछ इनको कट ऑफ लगाना पड़ेगा, लेकिन हाँ इस बार दोस्तों कट ऑफ अगर 0 रख भी दिया जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, एक मैसेज जाएगा देश में या हर जगह जाएगा कि यार जो विज्ञप्ति में लिखा रहता है वही फाइनल होता है। अगर दोस्तों इस बार कट ऑफ को कुछ भी चेंज किया जाएगा
तो मतलब साफ होगा दोस्तों से कि यार विज्ञप्ति को बदल दिया गया, जो कि अधिकतर यही कहा जाता है कि आपकी विज्ञप्ति को कभी भी बदला नहीं जाता है। लेकिन दोस्तों अगर कट ऑफ 0 के अलावा कुछ भी लागू होता है 40-45 या 60-65, तो दोस्तों इसका सीधा मतलब होगा कि आपने विज्ञप्ति को बदला है। तो आने वाले टाइम में हर सरकार, कोई भी सरकार आएगी, तो जो मन करेगा विज्ञप्ति में अगर कट ऑफ उन्होंने 40-45-100 भी कर देंगे या 60-65-100 करेंगे, तो उसके बाद भी वो कम या ज्यादा कर पाएंगे, क्योंकि उसको विज्ञप्ति बदलने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा, सरकार के पास अधिकार है। जब विज्ञप्ति में कुछ नहीं लिखा है, तो जो भी दोस्तों नियम कहता है कि जब विज्ञप्ति में जो लिखा होता है वही होता है, जब लिखा ही नहीं तो बात ही खत्म होती है। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। आप देखिए, बात करेंगे हम लोग 30-33 मामले को लेकर। देखिए दोस्तों, अगर 30-33 मामला जीत जाएगा तो 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए समझ लीजिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी हो जाएगी, क्या बताएं। ठीक है ना, हम भी नहीं बता पा रहे, क्योंकि इतने बच्चों को नौकरी मिल जाएगी जो उम्मीद भी नहीं कर रहे हैं। और आने वाले टाइम में जो कंपटीशन होगा दोस्तों, वो तो मतलब बहुत ही ज्यादा उच्च लेवल का होगा। तो उम्मीद यही करिए दोस्तों कि किसी न किसी तरह आपकी शिक्षक भर्ती में जो ये कट ऑफ वाला मामला है वो ऐसे ही फाइनल हो जाए, 30-33 की जीत हो जाए और 69,000 शिक्षक भर्ती के बच्चों के लिए एक बड़ी अपडेट आ जाएगी। और 30-33 की जीत होने से अधिकतर शिक्षा मित्र यहाँ नौकरी पाएंगे। उसके बाद दोस्तों देखिए, अगर 40-45 कट ऑफ भी लग जाती है 69,000 में, तो बच्चों को उतना प्रभाव नहीं होगा। एक बात और आपको बता दें, अभी आपके 68,500 शिक्षक भर्ती में जो सबसे ज्यादा सीटें खाली है ना, कौन सी कैटेगरी सीटें खाली पता है आपको? वो SC वर्ग की खाली है। ST की भी दोस्तों काफी सीटें खाली चल रही है। मतलब पता है इसका क्या सबसे बड़ा मैसेज? इसका सबसे बड़ा मैसेज यही है आपका कि 69,000 शिक्षक भर्ती में भी SC और ST की जो कट ऑफ है वो ज्यादा नहीं जाएगी। बाकी दो वर्गों में दोस्तों सीट खाली है, लेकिन ज्यादा नहीं। देखिए सबसे कम जो सीटें खाली वो जनरल वर्ग की खाली है। तो हमने पहले बताया था जनरल की मेरिट हाई जाएगी। देखिए हमने आपको सेफ गुड़ाम को लेकर पहले भी डिस्कशन किया है और हर बार हमने बताया कि जनरल की मेरिट ही हाई जाएगी। और दोस्तों काफी ऐसे जिले इस समय है 68,500 में जहाँ जनरल की अब एक भी सीट खाली नहीं है। तो मतलब साफ है कि यार कि आपके जो दोस्तों जो सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा सेफ गुड़ाम को, दोस्तों फिर से डिफाइन कर देते हैं जल्दी से कि अगर 30-33 की जीत होती है तो दोस्तों अगर आप 65 नंबर भी ले आते 69,000 में, तो जनरल में आपको नौकरी मिल सकती है। लेकिन 30-33 की जीत यहाँ पर आवश्यक हो जाती है कि 30-33 जीतना भी चाहिए। अब ये ना हो कि 30-33 की हार हो जाए उसके बाद दोस्तों फिर ये नहीं होगा। OBC में दोस्तों आपका 60+ पर नौकरी मिलने शुरू हो जाएगी, SC में भी 60+ पर, ठीक है ना, 60+ या 55 नंबर पर भी आपको नौकरी मिल सकती है। SC कैटेगरी की बात हो रही है, ठीक है, ST में दोस्तों आपको 55+ पर नौकरी मिल जाएगी। तो यार कितना फायदा होगा खाली 30-33 की जीत हो जाए तो आपके तो भाई निकल पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड और अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर करिएगा। चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो के हर एक नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अब देखिए दोस्तों, सिर्फ इन बच्चों को नौकरी मिल पाएगी तो मतलब यही है कि जो इन बच्चों के नंबर इससे अधिक आएंगे। अब देखिए जनरल में अगर आपके भाई 55 ही अंक बन रहा मेरिट, फिर आपके लिए देखिए मुश्किल होगा, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।